श्री श्रीकाल एंड वनकम दोस्तों, आज मैं स्पेशल रेसिपी मील मेकर एंड गवार की फली की बता रही हूँ। चलिए देखेंगे। गवार की फली को अच्छे से धो लीजिए, छोटे छोटे पीसेस कर इसको नमक डालकर उबाल लीजिए और साथ ही साथ मील मेकर भी उसमें डालकर एक स्टीम आए तक उबाल लीजिए और उसको स्ट्रेन कर दीजिए। ये लिए अदरक लहसुन का पेस्ट, कोरिएंडर सीड्स, पॉपी सीड्स, हम लोग लौंग पट्टा, इलायची ले रहे हैं और इन सारे चीज़ों को हम लोग पेस्ट कर लेंगे। साथ ही साथ चाहिए ऑनियंस और चिलीस, टमाटोस दो। अभी हम लोग बनाने वाले हैं एमआरपी मसाला प्रिपरेशन। पता है ना आपको एमआरपी मसाला क्या है? अदरक लहसुन, कोरिएंडर लीव्स, धनिया सीड्स, लौंग पट्टा, इलायची और खसखस। ये सारे चीज़ अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स। एमआरपी मसाला ग्राइंड कर लीजिए इस तरह। ये रहा एमआरपी मसाला रेडी। चलिए अभी हम लोग गवार की फली मील मेकर का करी कैसे बनाते हैं सिखाओगे। एक कुकिंग बॉल में ऑनियंस डाल दीजिए ऑयल के साथ। ऑयल गर्म होने के बाद ऑनियंस डाल दीजिए, अच्छे से पिंक होना काफ़ी है। साथ ही साथ ग्रीन चिलीज आपकी मर्जी, अगर आप तीखा खाना पसंद करोगे तो ज़्यादा डालिए या फिर एक आध दो काफ़ी है। ठीक है, ये अच्छे से भून लीजिए। भूनने के बाद अभी स्पेशल एमआरपी मसाला है वो बहुत सिम में एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स अच्छे से भुनिए। ये मसाला जितना अच्छे से भुनेगा उतना ही टेस्टी ये करी होगा। तो मेन प्रोसेस ये मसाले को फ्राई करना है। ध्यान रखिए, ढक्कन लगाइए और सिमर पर 5 मिनट्स के लिए अच्छे से भून लीजिए। देख रहे ना कितना अच्छा सा भुन गया है ये मसाला। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें टमाटर डाल देंगे। दो टमाटर, दो मैंने छोटे छोटे पीसेस कर चुकी हूँ, वो डालकर ढक्कन लगाकर पका लीजिए। ठीक है, देख रहे ना तेल छूट रहा है। अभी नमक, मिर्च, हल्दी डालकर अच्छे से मिला लीजिए। देख रहे ना मसालेदार विद टमाटर, वाओ अभी ये डिलीशियस दिख रहा है ना। लेकिन मेन है गवार की फली और मील मेकर जो हम लोगों ने उबाल के रखे हैं वो डाल देंगे। डालने के बाद अभी सारा मसाला ये अच्छे से मिलना है। ठीक है, अब ये प्रोसेस मील मेकर डालने के बाद, गवार फली डालने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स तक कुक कर लीजिए। क्यों? मसाले सारे अच्छे से लगेंगे और सिमर में ही पकाइए। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मसाले अच्छे से लगना है। ठीक है, इसको ढक्कन लगा दीजिए, 10 मिनट के लिए सिमर पर पका लीजिए। देख रहे हैं ना ये अभी पक चुका है। अभी हम लोग इसमें आधा ग्लास पानी डालकर फिर से पकाएंगे। ठीक है, आधा ग्लास काफ़ी है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं। क्यों? ये ऑलरेडी टमाटर पक चुके हैं, गवार की फली और मील मेकर भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो थोड़ा पानी काफ़ी है। फ्रेंड्स आपको ना एक इंटरेस्टिंग गवार की फली के बारे में बताती हूँ। गवार की फली एक्चुअली ओरिजिनेटेड है अफ्रीका से और हम लोग इसको अपनाते हैं। बहुत ही पसंद से हम लोग गवार की फली खाते हैं, है ना। गवार की फली में जो सीड्स होते हैं गौर गम कहते हैं, वो गौर गम जो है बहुत ही लाइक आइसक्रीम्स, ऑयल स्टफ बनाने में बहुत यूज होता है। तो ये सीड्स हम लोगों का जो प्रोडक्शन ऑफ गवार की फली है ये 80% इंडिया में ही होता है। वाह, गवार की फली के तो बेनिफिट्स बहुत है। चलिए आज हम लोगों ने सीख लिया गवार की फली और मील मेकर, मेरा फेवरेट करी है फ्रेंड्स। एक बार बना के देखिए, यम्मी करी है, बहुत ही टेस्टी रहेगा। ये रोटी के साथ खाइए या आप राइस के साथ खाइए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट रहेगा फ्रेंड्स। ये रहा रेसिपी न्यू गवार की फली एंड मील मेकर। साइनिंग ऑफ एमआरपी।